मम्मी जी, मैं बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूं, थोड़ी मदद कर दीजिए ना। रसोई से निकलती निधि ने वहीं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ती अपनी सास प्रभा जी से आग्रह किया। प्रभा जी अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही निधि का पति रितेश बोल उठा, निधि तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अचानक अपने पति की नाराजगी देख निधि के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, लेकिन रितेश ने अपनी बात पूरी की। जब भी तुम रसोई में कुछ खास बनाने की तैयारी करती हो, मां को भी रसोई में बुलाने लगती हो। मम्मी जी का हाथ लगते ही हर पकवान का स्वाद दोगुना हो जाता है, आप समझते क्यों नहीं? हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहने वाली निधि के चेहरे पर दोबारा मुस्कान खिल गई, लेकिन रितेश की नाराजगी बरकरार रही। मैं खूब समझता हूं तुम्हारे बहाने, मां बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, कम से कम तुम इस बात का तो ख्याल किया करो। मम्मी जी मैं बेसन छानती हूं, आप जल्दी से आ जाइए। अपने पति की नाराजगी को नजरअंदाज करती निधि अपनी सास को बेसन के लड्डू बनाने में सहयोग करने का बुलावा देकर वापस रसोई में चली गई। मां आप अपनी बहू की इन हरकतों पर लगाम क्यों नहीं लगाती? अब रितेश अपनी मां प्रभा जी से मुखातिब था। बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अखबार समेटकर मेज पर रखती प्रभा जी की निगाहें रितेश के चेहरे पर टिक गईं। मां मैं बस इतना कह रहा हूं कि अब आपकी रसोई में काम करने की उम्र नहीं रही, अब आप सिर्फ आराम किया कीजिए। अरे भाई तो बहू कौन सा मुझे रसोई में पहाड़ तोड़ने को कह रही है, तेरे मनपसंद बेसन के लड्डू बनाने में मदद ही तो मांग रही है। मां वो हर बार ऐसा ही करती है, मैं तो कहता हूं कि आप साफ साफ मना कर दिया कीजिए, वरना हर काम में आपसे मदद मांगने की उसकी आदत बनती जा रही है। प्रभा जी अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही वहीं रखे मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल के स्क्रीन पर रितेश की बड़ी बहन रिद्धिमा का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। हेलो रिद्धिमा बेटा, कैसी हो? प्रभा जी ने बिना एक पल गवाए फोन रिसीव कर लिया। मां मैं ठीक हूं, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूं बेटा, अभी तुझे ही याद कर रही थी। क्यों मां? बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूं रितेश के लिए, तुझे भी तो बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, इसलिए। ससुराल में जा बसी बिटिया से बात करती प्रभा जी तनिक भावुक हो गई, लेकिन रिद्धिमा को आश्चर्य हुआ। मां अब आप क्यों रसोई के काम करती हो? ये सब काम भाभी को करने दिया करो, और वैसे भी ये सब काम करने की अब आपकी उम्र नहीं रही। रिद्धिमा अपनी मां को समझाने लगी और बेटी की बातें सुनती प्रभा जी मुस्कुराई। रसोई के सारे काम तेरी भाभी ही तो करती है, फिर आप क्यों जा रही हो लड्डू बनाने? उन्हें ही बनाने दो ना, रिद्धिमा बोली। बेटा जब उसने मदद मांगी है तो मैं इनकार नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरे पास करने के लिए अब कौन सा काम बचा है, दिन भर आराम ही तो करती रहती हूँ। अभी माँ बेटी के बीच बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि निधि रसोई से निकलकर वापस ड्राइंग रूम में आ पहुंची। मम्मी जी इन मेवों को अलग से घी में फ्राई करना है ना? हाँ बहू लाओ मैं कर देती हूँ। ये कहते हुए प्रभा जी सोफा छोड़ उठ खड़ी हुई। तभी दूसरी तरफ फोन पर मौजूद रिद्धिमा अपनी माँ पर तनिक नाराज हो उठी। माँ आप ये सब भाभी को ही करने दीजिए, अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपके घुटनों में दर्द रहता है, ये बात भी अब भाभी को समझानी पड़ेगी क्या? अपनी बहू के हाथ से मेवे ले रसोई की ओर जाती प्रभा जी मुस्कुराई। तुम्हारी भाभी बहुत समझदार है, उसे कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मां आप क्या कह रही हो? अपनी मां की बात सुनकर रिद्धिमा को आश्चर्य हुआ, लेकिन प्रभा जी ने अपनी बात पूरी की। मेरे घुटनों के दर्द के साथ साथ तुम सब भी मुझे एहसास कराते रहते हो कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, लेकिन एक मेरी बहू ही है जो कभी मुझे मेरे बुढ़ापे का एहसास नहीं कराती। मां मैं कुछ समझी नहीं, ये अपने हर खास काम में मुझे बूढ़ी नहीं अपनी सहेली समझकर मदद मांगती है। प्रभा जी की ये बात सुनकर फोन पर मौजूद उनकी बिटिया रिद्धिमा के साथ साथ वहां मौजूद उनका बेटा रितेश भी निशब्द हो गया, लेकिन अपनी सास के शब्दों से तृप्त निधि मुस्कुरा उठी। दोस्तों इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, आपका एक एक शेयर हमारा मनोबल बढ़ाता है। ऐसी ही बेहतरीन स्टोरीज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ जल्द ही, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, धन्यवाद।